गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजवंदन समिति द्वारा शास्त्री चौराहे से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा शास्त्री चौराहे से होकर कचहरी चौराहा गोलघर होते हुए वापस शास्त्री चौराहे पर संपन्न हुआ। इसके संबंध में राजवंदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि अमर शहीदों के बलिदान के कारण स्वतंत्रता की देवी भारत वर्ष में आई, जिसके कारण हम सब आज स्वतंत्र परिवेश में सांस ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नमन यात्रा के द्वारा हम उन लोगों को याद कर अपने नौजवानों में उनके आदर्श मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम की संयोजक प्रीति श्रीवास्तव एवं संचालन वसुंधरा पांडे, अध्यक्ष विजय खेमका, मातृशक्ति परिषद अध्यक्षा विनीता पांडे, युवा परिषद अध्यक्ष नवीन पांडे, योगेंद्र द्विवेदी, इंजीनियर सतीश सिंह, माया गुप्ता, रीता शर्मा, प्रीति श्रीवास्तव, उपासना श्रीवास्तव, रागिनी मनोरमा, स्मृति सुनीता शर्मा, अनंत आकाश, मनोज गौड़, संजय श्रीवास्तव, अमित दत्त, राहुल पांडे, मुकेश दुआ, प्रशांत गुप्ता, राहुल गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राष्ट्रीय वंदन समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, हाथ बांध के नहीं, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र वर्ष दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रमंडल समिति के तत्वाधान में आज यहां पर भारत माता की आरती सांस्कृतिक कार्यक्रमों के पश्चात ये तिरंगा शहीदों को नमन करने के लिए यात्रा निकाली गई है। और आज जो है ये हम सब इसके माध्यम से उन शहीदों को नमन करें जिनकी वजह से हम इस आजादी के वातावरण में सांस ले पा रहे हैं। लोग अपने देश समाज के प्रति जागरूक हों, देश के प्रति उनका प्रेम जिस प्रकार समय है वो प्रेम और बढ़े, और ताकि हमारा देश जो है वो विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो। ये यात्रा यहाँ से और चेता चौराहे तक जाके वापस आएगी।